जी, कैसे हैं आप सब लोग? प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आप सब लोग ठीक हो। आजकल जो हमारे देश पे बीमारी की जो समस्या, वायरस की जो दिक्कत आ रही है, वो सब जानते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो कोरोना वायरस है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे है, बहुत ही ज़्यादा ये महामारी की तरह फैल रहा है। जैसे कि सब वीडियो बना रहे हैं, सबको पता भी है, न्यूज़ में भी ये चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन घर पे जो हम लोग प्रिकॉशंस और इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप करनी है, या थोड़ा बहुत आप ध्यान कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ग्लो वगैरह किचन टू ब्यूटी विद लाइफ। ठीक है जी, ये सिंपल सा एक वीडियो है, सिंपल सी एहतियात है जो आप बरतें अपने रूटीन लाइफ में, तो इससे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये, इसके बारे में बताती हूँ आपको। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये आई ड्रॉप है सिंपल। अगर आप बाहर जाते आ रहे हैं कहीं भी, अगर आपको व्यस्त हो, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, कोरोना वायरस सबको समस्या देश में चल ही रही है, सबको पता है, लेकिन कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को बाहर निकलना ही नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि अब बिल्कुल बाहर ना जाएं, बिल्कुल। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है, बाकी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनकी भी जो गाइडलाइंस हैं, सरकारें अपनी जो बोल रही हैं, इवन क्या खुद की समझदारी है, आप उसको पूरी 101% उसको सोचे समझे और अपने रूटीन में लाएं। बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, प्लीज बाहर ना निकलें, खुद सेफ रहें और सबको सेफ रखें, इतना तो हमारा बनता ही अपने देश के प्रति कर्तव्य है। ठीक है जी, और फिर भी कभी आप मेडिसिन ही लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, या सब्जी जरूरत है घर में लेने जा रहे हो, तो आप क्या करें, जब घर पे आते हैं तो आप ये आई ड्रॉप है सिंपल ही आप यूज कर सकते हैं, जिससे कुछ भी अगर हल्का फुल्का धूल मिट्टी भी आपकी आंखों में चला गया है तो वो निकल जाएगा, आंखें धुल जाएंगी। वैसे तो आपको आते ही फेस वॉश हाथ वॉश करना ही होता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है, मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने एक बनाया है इसके ऊपर, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और फिर आप सबसे बेस्ट है साबुन का इस्तेमाल करें, 20 सेकंड तक हाथ अच्छे से मल मल के धोएं। ये मैं अपने पहले जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था। ठीक है जी, ये आप आंखें धोने के लिए हैं, आई ड्रॉप डाल सकते हैं, और ये आई ड्रॉप है, ये पतंजलि की है, और ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या, आपकी आंखें वैसे भी कहते हैं अच्छी रहती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है, जो भी मैं यूज कर रही हूँ हम खुद के लिए, अभी यूज नहीं करें, हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं चीजें, लेकिन मैंने वैसे ही एक छोटा सा वीडियो बना दिया, शायद सबको भी हेल्प मिले। इम्यूनिटी सिस्टम से बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हेल्प मिलती है इन चीजों से। ये आप आई ड्रॉप डाल सकते हैं, आंखें साफ हो जाती हैं इसकी। ठीक है जी, ये है जो हम यूज कर रहे हैं, हम सर्दियों से इवन नवंबर से हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसको भी, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये बहुत इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है आपका। यूं नहीं है कि आपने लिया और इम्यूनिटी मतलब बूस्टर बहुत ज्यादा होगी, ये आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आपको असर करती हैं और लाइफ टाइम मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको असर में रहती हैं। ये चीजें बहुत फायदेमंद चीजें होती हैं, ये जी पतंजलि का ही है, इवन उसका डाबर का भी आता है, और उसका भी हम लेके आते हैं, लक्ष्मी विलास रस के नाम से टेबलेट्स आती हैं, ये आप ले सकते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर किस तरीके से लेना है, वो सबका के सबका अलग अलग तरीके से होता है, सबको जो डॉक्टर्स हैं उस तरीके से बताते हैं। कोई सुबह खाली पेट ले रहा है तो कोई खाने के बाद ले रहा है, तो कोई खाने के पहले ले रहा है, वो आप इसका सर्च करके या जहाँ से मेडिसिन लेंगे वहां बात करके, या फिर आप डॉक्टर से परामर्श करके इन चीजों का उपयोग करें। वैसे ये आयुर्वेदी में कोई दिक्कत नहीं है। ये है जी दूसरी, एक तुलसी की गोली है, तुलसी घनवटी है, और ये भी आप जरूर यूज करें, तुलसी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है, इसको आप जरूर लाइफ में यूज करना, वैसे ही शुरू कर दें रूटीन में। लेकिन अभी तो क्या है, वैसे हमारे तो मेरे घर में, वैसे हमारे घर में पहले तुलसी लगी हुई थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ कि तुलसी हमारी मतलब सूख चुकी है, अभी यहाँ पे तुलसी नहीं है हमारे, तो हम घनवटी लेके आए, तुलसी की ये टेबलेट्स लेके आए, ये श्री श्री रविशंकर जी उनके भी आते हैं, और वो सबकी ही आती है, उनके भी बड़ी अच्छी टेबलेट्स आती हैं, वो हमारे खत्म हो गई थी, तो इस बार हम इसकी ले आए, ये पतंजलि की है, आप उसकी भी लेके आ सकते हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी आती हैं, ये प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे आते हैं उनके भी, तो हमें जो अच्छा लगता है वो ले आते हैं, लेकिन हम आयुर्वेदिक का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये तुलसी का क्या होता है कि आप 4-5 पत्ते डेली रूटीन में, जैसे अपने कहवा बनाते हैं, जैसे मैं ये काढ़ा ये भी बताऊंगी, मैंने एक कहवा बना के रखा हुआ है जो हम डेली रूटीन में ले रहे हैं,
ये हमने अभी कोरोना के चक्कर में जो वायरस फैला हुआ है, फ्लू फैला हुआ है या कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमें हल्का फुल्का बुखार होता है तो बहुत ही फायदेमंद है। इसका भी मैं बताती हूँ आपको। और पहले मैं आपको तुलसी का बता रही हूँ कि तुलसी आप 4-5 पत्ते हल्का सा आप उसको पीस लें और हल्का सा पानी डाल के आप वैसे 1-1 चम्मच सब घर वाले पी लें। आपके जितने भी आपके घर में आप रहते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। और ये आप डेली रूटीन में जरूर इस्तेमाल करें। और नीम की पत्तियां, नीम की घनवटी मेरी खत्म हो चुकी है, नीम की घनवटी भी आती है, नीम की पत्तियां भी चलती हैं। अभी तो आप निकल नहीं सकते, हम तो क्या करते हैं 3-4 पत्ते नीम के वैसे डेली रूटीन में ही शामिल रखते हैं। उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है जी। वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसकी गोलियां भी, घनवटी भी आती है, वो भी आप लेके आ सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा लगता है। ये आपका शरीर के अपने जो भी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन सी। ये विटामिन सी की एक टेबलेट है, इसकी बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स और बड़े बड़े अच्छे अच्छी और भी बहुत बढ़िया टेबलेट्स आती है विटामिन सी की, लेकिन मेरे पास ये वाली है। और आप इसको रूटीन में शामिल करें, आप किन्नू भी खाएं। अगर अभी फिलहाल किन्नू बहुत महंगे हैं तो नींबू भी बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रूटीन खाने में, उसको भी आप जरूर इस्तेमाल करिए। ये जी, ये गिलोय घनवट्टी, गिलोय भी बहुत अच्छा है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आप गिलोय को इस्तेमाल अपनी लाइफ में वैसे ही रखें, जरूरी नहीं कि फ्लू के लिए हो या इस वायरस के कारण अपने को इसको खाना, आप वैसे भी रखेंगे तो ये आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पहले मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी खराब सी रहती थी, ऐसे एंग्जाइटी सी रहती थी या डिप्रेशन सा, या आप कह सकते हो कि थोड़ी घबराहट सी, थोड़ा सा पैनिक बहुत जल्दी होती थी मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये चीजें कंट्रोल देनी शुरू करी है, उसके बाद मेरे हेल्थ में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदा है तो हम मान के चलते हैं इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है जी। ये गिलोय की वटी है। वैसे तो रूटीन में हम लोग क्या करते थे कि गिलोय का जो बेल होती है वो हम ले आते थे मेरी मम्मी के यहाँ पे, गिलोय की उनकी खुली जगह है तो वहाँ इजी लगी हुई है, तो मैं वहां से हम ले आते थे। तो काफी दिन, 15-15 दिन एक बेल आप लंबी सी डंडी ले आते हो तो काफी दिन चलती है। उसका एक काढ़ा मैंने बनाया हुआ अभी भी है हमारे पास, गिलोय में आपको दिखा देती हूँ, अभी मैं हमारे पास थोड़ी सी बची है। लेकिन क्या है, हम घनवटी भी यूज कर लेते हैं, अगर वो आप उसको हम काढ़े में बना के यूज करते हैं और ये हम घनवटी भी लेते हैं, इससे भी हमारा बहुत फर्क पड़ता है। मैं गिलोय की आपको दिखाती हूँ, गिलोय कैसे फूल है। ये देखिए जी, वैसे तो हमारे वैसे ये वाली गिलोय है, ये ऐसे गिलोय आती है लेकिन मोटी भी आती है। अभी फिलहाल हमारे पास ये वाली है, क्योंकि मैं कम से कम 15-20 दिन पहले लेके आई थी, तो ये हम बस इतने इंच का टुकड़ा मैं काढ़ा बनाती हूँ, उसमें इतना इंच का टुकड़ा डालती हूँ, तो ये मैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे ये गिलोय वटी है इजी तरीके से, अगर आप शहर वगैरह में रह रहे हैं, यहाँ आपको अवेलेबल नहीं है, या आप कहाँ भी रह रहे हैं जहाँ आपके पॉसिबल नहीं है कि आप गिलोय ले पाए, इस टाइप से काढ़ा बना पाए, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप सिंपल गिलोय वटी यूज कर सकते हैं। ये भी सारे ब्रांड काफी अच्छी कंपनीज की आती है, मेरे पास फिलहाल हिमालय की है, ये इनकी पतंजलि की भी आती है आई थिंक, तो मैंने ये यूज कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है जी। और ये एक एक्सरसाइज की है, मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो ये रेस्पिरोमीटर है, ये इसको आप यूज कर सकते हैं, ये लंग्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। वैसे रिकमेंडेड नहीं है, ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने यूं ही रख लिया इसको, तो आप देख सकते हैं मतलब ये ऐसे भी आते हैं, ठीक है जी। और ये मैंने काढ़ा बनाया है और मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने, और ये देखिए जी, ये हम तो काढ़ा बना के रख लेते हैं, इसकी मैं रेसिपी अब कहेंगे तो मैं अलग से बना दूंगी। ये देखिए जी, इस टाइप से गर्म है ये बिल्कुल, ये देखिए इस टाइप से काढ़ा बनता है ये। ये हम क्या करते हैं, अलग अलग बोतलों में थोड़ा थोड़ा काढ़ा डाल के बाकी गर्म पानी डाल देते हैं, तो इस टाइप से ये काढ़ा होता है। आपको हल्का हल्का कलर इसमें दिख रहा होगा, इसमें मैं बताती हूँ इस काढ़े में हम क्या क्या चीजें डालते हैं। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, हल्के फुल्के बुखार के लिए, जो आपके पेन रहता है बॉडी में उससे बहुत ये ठीक करता है उसको। इस काढ़े में हम क्या करते हैं, जैसे ये गिलोय है, थोड़ा सा टुकड़ा हमने गिलोय का डाल लिया, हल्दी, कच्ची हल्दी मैंने थोड़ी दिन पहले मंगवा के रखी थी, मेरे पास फिलहाल वो है, तो हम क्या कच्ची हल्दी को कूट के रख देते हैं, कूट के इसमें डाल देती हूँ मैं जब पानी उबालती हूँ। जैसे आपने 3 गिलास पानी ले लिए, उसमें थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा आपने हल्दी का कूट के डाल दिया, 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का कूट के डाल दिया, हल्की सी दालचीनी डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, 1 लौंग डाल सकते हैं आप, हल्की से अजवाइन या सौंफ भी डाल सकते हैं, जो मैं डालती हूँ, ठीक है जी। ऐसे काढ़ा बना के हम रख लेते हैं, तो ऐसे गर्म बोतलों में हम भर के रखते हैं, पूरा दिन हम गर्म पानी का ही सेवन करते हैं, गुनगुने पानी का भी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा हमने ये डाला और इसमें हम दूसरा सिंपल नॉर्मल पानी मिला लेते हैं गर्म करके,
फिल्टर वाला पानी होता है उसको गर्म उबाल लेते हैं, फिर इसमें हाफ अप मिक्स कर देते हैं। हम पूरा दिन यही चलता है हमारे घर में अभी फिलहाल। बाकी देखो डिश पर डिपेंड करता है, हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट बरत रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। बाकी पानी को कोई टाल नहीं सकता है, वो तो ईश्वर के हाथ में है, हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। वो ईश्वर जो चाहे वो ही होता है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, वो चीज है। अगर ईश्वर ही अपने नेगेटिव होंगे तो अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अपने हाथ में है वो हम सब कर रहे हैं अपने घरों में बैठ के। और इसके अलावा जैसे आपको गुरारे भी डेली करने चाहिए रूटीन में, नमक के पानी से आप गरारे करें, नमक डालें थोड़ा सा, पानी को उबाल लें, जब वो थोड़ा सा गुनगुने टेम्परेचर पे आ जाए तो आप गरारे करें अच्छे से। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, एक हम ये भी यूज कर रहे हैं गरारों का, दिखा रही हूँ कुछ चीज मैं भूल जाती हूँ रखने के लिए। ये देखिए, ये भी हम जब भी घर में गरारी, हम रेगुलर रूटीन में सर्दियों में विंटर्स में भी यूज करते हैं। ओरो टी आता है हिमालय का, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे मेरे टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा हो गए थे जनवरी में, रूटीन में ही हो गए थे, तो मुझे कहीं चीज कुछ काफी कुछ इलाज कराया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने ये और रूटीन लेके आए हम लोग, इससे मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा। तो मैंने रेगुलर रूटीन में भी हम थोड़े दिनों में, जैसे डेली तो नहीं करते हैं लेकिन जैसे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने में 2-3 बार, हम 15 दिन बाद यूज कर लेते हैं घर में सारे, 1-2 बार गुरारे इसके भी कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा बस मैं यही चाहना बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज ये जो समय है बहुत ही दिक्कत वाला समय है और भयंकर हो रहे हैं हमारे साथ जो भी हो रहा है, मतलब लेकिन आप हम साथ मिलके ही इस लड़ाई में, सबको साथ चलना होगा तभी हम इससे, इस लड़ाई में जीत सकते हैं। और ये जो वायरस है हम खत्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव रहिए, पैनिक मत होइए, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस छोटा सा वीडियो यूं ही बनाया मैंने, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, शायद आपके काम का भी हो इसमें कुछ। तो ठीक है जी, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें सबको, और जो भी अपने प्रधानमंत्री जी हैं और जो अपने सरकारें हैं, जो भी वो कह रहे हैं गाइडलाइंस को मानिए, और देश को स्वस्थ करने में, सुरक्षित रखने में देशवासियों के लिए आप प्लीज थोड़ा सा अपना हाथ बटाएं। और अभी इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, मैंने एक वीडियो बनाया था सैनिटाइजर के रिगार्डिंग, की आप प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं, उसमें सैनिटाइजर का वीडियो है। और उसमें क्या है, सैनिटाइजर उसमें क्या थोड़ा अल्कोहल होता है, तो आप उसको ना कोशिश करें कि ना फ्लेम के पास मत जाए, उसको लगाए। वैसे तो ओरिजिनल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ओरिजिनल वो हाथों उड़ जाता है, लेकिन कहीं मैंने सुना था कि कोई वो लगा के गए और उसमें थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो गई, गैस के पास चले गए, फ्लेम के पास चले गए। तो आप कॉशंस रखें, सैनिटाइजर लगा के फ्लेम के पास मत जाए, ये मेरी तरफ से राय है। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।